नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे फरीदकोट में किसने किया हंसराज हंस का विरोध, साथ ही साथ चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर क्या बीजेपी दर्ज करेगी जीत और अमृतसर में ट्रिपल मर्डर की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पंजाब की 13 सीटों पर 1 जून को यानी के आखिरी चरण में वोटिंग होनी है और इसी बीच जिन कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हो चुका है वो अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में फरीदकोट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं हंसराज हंस। प्रचार के लिए फरीदकोट पहुंचे वो, जहां उन्हें रोड शो के दौरान किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोकसभा के चुनावी शंखनाद के साथ उम्मीदवारों का चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है। बीजेपी के टिकट पर फरीदकोट में पैराशूट से लैंडिंग करने वाले हंसराज हंस ने आज फरीदकोट में अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया। फरीदकोट पहुंचने के बाद सबसे पहले हंसराज हंस 12वीं सदी के महान सूफी संत बाबा शेख फरीद की स्थली बाबा फरीद किला पर नतमस्तक हुए। 2024 में फरीदकोट लोकसभा सीट पर अब तक 4 प्रमुख पार्टियों में से सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने सिंगर हंसराज हंस को मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाबी एक्टर करमजीत अनमोल को फरीदकोट से टिकट दिया है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम्स होते और पंजाब के सारे यहां ऑब्जर्व करके, क्योंकि यहीं पे पैदा हुआ हूं, जितना हम लोग, क्योंकि मैं सिंगर सिंगिंग करता था, आर्टिस्ट, तो बच्चे बच्चे, चप्पे चप्पे, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बेटियां, सबके नेचर को इस धरती को पहचानता हूँ। पहले दिल्ली थोड़ा सा काम सीखा, अब उस काम को सीख के मैं अपने भाई बहनों की, मैं यही कहूँगा कि पंजाब सांझीवालता है, सेकुलर स्टेट है। हंसराज हंस इससे पहले 2019 में बेस्ट दिल्ली से चुनकर लोकसभा पहुंचे थे, पर इस बार जब बीजेपी ने दिल्ली में उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हंसराज हंस का टिकट कट गया है, पर जब पंजाब की लिस्ट सामने आई तो हंसराज हंस को पंजाब भेजकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। बीजेपी जब लड़ती है या फाइट देती है तो अपने सिपाहियों को प्रॉपर वॉरियर बना के देती है, क्योंकि मैं सूफीज्म का स्टूडेंट हूँ, मेरी नेचर बेशक वैसी ही हो जैसे फकीरों की होती है, पर मैं अपना काम तो बता सकता हूँ, सिर्फ नफरत भरी बातें या क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, सबके लिए मैं दुआ मांगता हूँ। फरीदकोट में रोड शो के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई था, तो वहीं बीजेपी के खिलाफ किसानों का आक्रोश भी अपने चरम पर था। यही वजह थी कि हंसराज हंस को रोड शो के दौरान किसान जत्थेबंदियों ने काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। सारे वर्गों ने जिहड़े वादे कीते सी और 10 साल सत्ता दे राज करन तो बाद भी वह पूरे नहीं किए, वो असी जिहड़ा पिंडां दे विच भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करांगे। साढ़े जुल्म किया, उस जुल्म का विरोध है। दूजी गल जिहड़ा वोट है, असी भारत का संविधान बचाउण लई संयुक्त किसान मोर्चे का एक फैसला है, भारत बचाउणा है, मोदी बचाउणा है, भारत का संविधान बचाउणा है, किसान बचाउणा, दुकानदार बचाउणा, बचाउणा, मुलाजम बचाउणा है और भारत की भूमि कारोबेट घराने तो बचाउणी है। तीनों में से जो भी संगत को अच्छा लगे वो चुन ले। मेरा ये फायदा है कि मैंने सारी जिंदगी स्टारडम को जिया है, लेकिन स्टारडम को यहाँ सवार नहीं होने दिया, निम्रता से रहे हैं। अपना फोन खुद ही उठाता हूँ मैं और लोगों में रहता हूँ, जमीन से जुड़ा रहता हूँ। पंजाब में बीजेपी के खिलाफ किसानों का विरोध कोई नई बात नहीं है, पर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी पंजाब में रूठे हुए किसानों को कैसे मना पाती है, क्योंकि इस विरोध का असर चुनावी नतीजों पर गहरी छाप छोड़ सकता है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के साथ साथ क्या चंडीगढ़ लोकसभा की इकलौती सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम रह पाएगा या नहीं, आज की तारीख में एक बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब चंडीगढ़ में बीजेपी अकाली गठबंधन के बगैर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ अखाड़े में है।
लोकसभा के चुनावी समर में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के साथ साथ चंडीगढ़ की एक सीट पर भी जीत को लेकर सियासी गुणागणित शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार चंडीगढ़ सीट का गणित पिछले चुनाव से अलग है। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां चंडीगढ़ सीट पर बीजेपी और अकाली दल साथ साथ थे और विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग मैदान में थी, वहीं इस बार अकाली दल से गठबंधन नहीं होने के बाद सियासी अखाड़े में 4 प्रमुख पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में होंगे। चंडीगढ़ सीट को लेकर बड़ी बात यह भी है कि पहली बार बीजेपी अपने 34 साल पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के बगैर चुनावी मैदान पर उतरेगी, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत मैदान में होंगी। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी अपने 10 साल पुराने किले को फिर से बचा पाएगी? नहीं, बिल्कुल, हम जो है ये मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जो गांव की राजनीति मैं करता हूँ उस राजनीति पे मैं काम करूँगा, पंजाबियों की राजनीति पे लोगों के बीच में जाऊँगा। बहुत फर्क पड़ेगा इसमें, हम जीत के करीब पहुँचने की उम्मीद है हमें कि हम जीत सकते हैं यहाँ से, क्योंकि चंडीगढ़ में हम पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको पंजाब में तो हम लड़ते रहे हैं, चंडीगढ़ में हम पहली बार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इस बार। जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन तो अभी तक तार तार हो चुका है, अब कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के 25,000 वॉलंटियर्स पूरे चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं और हम 60% वोट से अबव लेंगे वोट शेयर, तो भारतीय जनता पार्टी 100% चंडीगढ़ सीट जीतेगी। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर करीब 42% था, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 27 और 24% था। वहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर करीब 50% था, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 40 और 3% था। इस बार के इस संदर्भ में जो आजकल है उसमें मुझे ये लगता है कि अगर अकाली बीजेपी अलायंस नहीं होती तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है कि जो यहाँ की सिख वोटर जो काफ़ी कम है वो शायद बीजेपी को शायद ना जाए। पर शहर का जो एक करैक्टर है ये ज़्यादातर सेंटर के साथ भी जाता है, और जो शहर की कंपोजिशन है और जो कॉलोनीज हैं या गांव हैं उसमें जो बीजेपी की सोच या जो बीजेपी का इस समय पॉलिटिकल नैरेटिव है उसकी ज़्यादा अपील है। तो मुझे ये लगता है कि इस इलेक्शन में बीजेपी को उसका फायदा जरूर मिलेगा। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन साल 2014 और 19 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत अख्तियार की। मौजूदा वक्त में यहां से बीजेपी की किरण खेर सांसद हैं। बदले सियासी समीकरण के बीच कांग्रेस का मानना है कि इस बार के चुनाव में उसके पास बहुमत ज्यादा रहेगा। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में चंडीगढ़ से लगी हुई है, और कल ही एक बढ़िया मीटिंग हमारी चंडीगढ़ में हुई है बूथ लेवल असिस्टेंट्स को लेकर, और हम वॉर रूम भी हमने सेटअप कर दिया और हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। हमें आम आदमी पार्टी का भी पूरा सहयोग चंडीगढ़ के अंदर मिल रहा है, और अभी आपने मेयर के चुनाव के अंदर भी देखा होगा कि किस तरह से जब हम इकट्ठे होकर लड़े और एक शानदार जीत हमने यहाँ पर हासिल की। उसके बाद FNCC का इलेक्शन हुआ, उसमें भी हमारी तीनों सीटें हम जीते जो हमारा गठबंधन है। तो आम आदमी पार्टी के आने से और कांग्रेस की वोट बिल्कुल ठीक है कि इकट्ठे होने से जो स्प्लिट होता था वोट का वो रुक जाएगा, और वो जो लाइक माइंडेड वोट है वो कांग्रेस को कैंडिडेट को या अलायंस के कैंडिडेट को आप जैसे भी कह लिए पड़ेगी। चंडीगढ़ की एक सीट पर 7वें चरण यानी 1 जून को चुनाव होंगे, वहीं 4 जून को नतीजे आएंगे। अब देखना ये होगा क्या इस बार बीजेपी अकेले दम पर चंडीगढ़ सीट को बचा पाएगी या नहीं। चंडीगढ़ लोकसभा सीटों में पिछले 10 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है, और जिस तरह से सियासी घटनाक्रम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, तो लगभग 34 सालों के बाद शिरोमणि अकाली दल और भाजपा सहयोगी नहीं होंगे, यानी कि चंडीगढ़ लोकसभा सीटों में भाजपा अकेले मैदान में उतरेगी। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें पार करने की ताल ठोक चुके हैं, लेकिन सियासी पंडितों की माने तो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की राह में बड़ा रोड़ा बन सकता है। अब ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। संजय सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। ऐसे में अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी का नेतृत्व और चुनाव प्रचार अभियान में जान फूंकने की। इसी बीच खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी चुनावी समर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकती हैं।
राजधानी दिल्ली की सियासत में संजय सिंह की जमानत का जश्न जो कल रात से शुरू हुआ है वो अब सियासी हथकंडों में तब्दील होता जा रहा है। चाहे वो कार की छत पर चढ़कर गुलाब के फूलों से स्वागत हो या संजय सिंह की सीएम केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात, राजघाट पर सपरिवार भजन कीर्तन हो या बजरंगबली के मंदिर के दर्शन, संजय सिंह जमानत पर छूटे तो आम आदमी पार्टी का हौसला हाई है। कल रात में संजय सिंह पूरे जोश में थे। आज राजघाट से लेकर हनुमान मंदिर तक दर्शन पूजन किया और थोड़े संयत लेकिन बीजेपी से लड़ाई को लेकर दृढ़ दिखे। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ सीना तान के मजबूती से खड़ा है। आम आदमी पार्टी के हौसलों के बीच एक सियासत इस पर भी शुरू हो गई है कि आखिरकार सीएम केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर संदेश देने वाली उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर दीवार पर क्यों लटका दी और वो भी दो शहीदों के बीच। उनकी फोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों के साथ हमारी फोटो टांग दी, ये देश के लिए लड़ने वाले लोग थे और ये परिवार के लिए धन इकट्ठा करते हुए शराब घोटाला करते हुए जेल गए लोग हैं। सुनीता जी, आपको ये पाप नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। दरअसल संजय सिंह की जमानत के बाद मचे सियासी शोर के बीच एक बार फिर सीएम केजरीवाल ने जेल से संदेश भेजा था, वो संदेश सुनीता केजरीवाल ने सुनाया है। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है, मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जिस तरह सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाली है उसे देखते हुए सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही सुनीता केजरीवाल गुजरात से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकती है। भरूच से आपके उम्मीदवार और आदिवासी नेता चैत्र बासवा ने सुनीता केजरीवाल और जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को प्रचार के लिए बुलाया है। कल्पना सोरेन रामलीला मैदान में भी सुनीता केजरीवाल के साथ दिखी थी। खबर है कि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच चैत्र बसवा आदिवासी बहुल भरूच सीट से नामांकन भर सकते हैं और इसी दिन सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन नामांकन रैली में शामिल हो सकती हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार है, दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी ने आपके खिलाफ चार्जशीट की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ 3 स्तरों पर आरोप पत्र तैयार हो चुका है। इसमें शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला जैसे भ्रष्टाचार पर केजरीवाल सरकार से सवाल होगा। प्रदूषण की समस्या, यमुना की सफाई, पीने के पानी जैसे मुद्दों पर आपके दावों की पड़ताल होगी और खस्ता हाल सड़कें, शिक्षा, रोजगार, कारोबारियों की समस्या, केंद्र की योजनाओं में रोक टोक सहित अन्य विषयों पर दिल्ली वालों की दिक्कतों का जिक्र होगा। दिल्ली की जनता पानी चाहती है, साफ पानी, जो 9 साल में नहीं दे पाई आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन गई है, इससे मुक्ति चाहती है, किस लिए इनको दोबारा वोट देगा? इसलिए कि आप भ्रष्टाचार करके आप लोग लगातार जेल में हो। आपके खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। दिल्ली के बीजेपी विधायक इन मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाएंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ विपक्ष के मुद्दों पर टक्कर देगी। दिल्ली से रामकिंकर सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक से खास बातचीत में मंडी से बीजेपी की कैंडिडेट कंगना रनौत ने तमाम मुद्दों पर बात की है, राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि अनजाने में परिवारवाद का शिकार हो गए और उन्हें राजनीति की जगह एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहिए था। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना आपका? राहुल गांधी ने यात्राएं निकाली, पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली
और वो तरह तरह की बातें बीजेपी को लेके, मुझे वो, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं। उनके जो हालात हैं उनके वो विक्टिम है, वो एक बहुत ही एम्बिशियस माता के जो है वो विक्टिम है। वो अपने, मुझे नहीं लगता वो जितने, जितना नाकामयाब उन्हें दुनिया में दिखाया गया है या बताने की कोशिश की गई है, इतने नाकामयाब वो हैं। मुझे लगता है उन कुछ और वो ज़िंदगी में करते, जैसे हमने थ्री इडियट के जैसे फिल्में देखी हैं। बच्चे खुद परिवारवाद के शिकार होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटसाइडर्स ही उनके शिकार होते हैं, वो खुद भी शिकार हो जाते हैं। वो शिकार मुझे लगता है राहुल गांधी हैं। वो कुछ और करते, किसी और, हो सकता है उनको एक्टिंग करनी हो, क्या पता, आप उनका जिस तरह से सब वो एक्टर बन सकते हैं वो डेफिनेटली। कई, उनकी माता दुनिया की सबसे अमीर स्त्री भी हैं, तो उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तो वो, तो शायद वो जो सुनने में आता है किसी महिला से प्रेम करते, उनकी शादी भी नहीं हो पाई, जो भी है, जिस तरह से भी सिचुएशंस हैं, हमने तो देखी है, ये उड़ती उड़ती खबरें सुनी हैं, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों उनकी शादी नहीं हुई, क्यों उनका घर नहीं बसा, या किस तरह से उनको एक करियर नहीं उनका कोई बन पा रहा है, या किस तरह से सफलता उनको किसी भी मुकाम में नहीं मिल पा रही है उनके। एक तरह से मुझे अकेले लगते हैं वो, बहुत ज़्यादा अकेले लगते हैं, और मुझे लगता है उन पर प्रेशर बहुत डाला जाता है कि तुम ये करो करो करो, तुमसे चाहे ये हो चाहे नहीं हो, पर तुम ये करो। अब ऐसी स्थिति में वो अभी भी, वो 60 के होने वाले हैं, फिर भी उनको यंग यंग करके बार बार लॉन्च करते रहते हैं। तो मैंने ऐसे बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा हुआ है, उनके माँ बाप उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी उन्होंने बिल्कुल नरक कर दी है, करो करो करो, करना ही पड़ेगा। अब वो बच्चे जो हैं एकदम से बर्बाद हो चुके हैं, उनकी भी यही स्थिति है। तो आपको लगता है राहुल गांधी पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और करना चाहिए? डेफिनेटली उनको करना चाहिए था, और वो सफल हो सकते थे। अभी ये काम उनका नहीं है, ये नहीं हो रहा है उनसे, उनकी माता समझती नहीं है, और वो उनको जो है किसी ना किसी तरह, जो हमें लगता है वो जबरदस्ती उनसे कराया जा रहा है। और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहना है? उन्होंने तो महिलाओं के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ यूपी चुनाव में कैंपेन किया, और दोनों में बेहतर कौन लगता है आपको, प्रियंका और राहुल? मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, मुझे वो दोनों हालात के मारे हुए लगते हैं। मुझे लगता है उनकी माता को उन्हें इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मैंने कहा मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक प्रत्याशी हूँ, अभी मुझे जो है वो, तो मुझे ये सब राजनीतिक लैंग्वेज आती नहीं है, मैं आपको एक साधारण लैंग्वेज में बता रही हूँ जो कि एक महिला को लग रहा है बाहर से देख के। मुझे लगता है वो अच्छे बच्चे हैं, उनको जो करने देना चाहिए था, सुखी जिंदगी जीने देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ, उनका बुरी तरह से जो है वो टॉर्चर हो रहा है, और अब वो दोनों ही परेशान लगते हैं।